नमस्कार दोस्तों, पनामा कुकिंग में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे प्रोटीन से भरपूर चना और सोयाबीन की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। चना और सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए देसी चना लेंगे। चने को धोने के बाद इसको 6 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। 6 hours later. 6 घंटा चना भिगोने के बाद अच्छे से चना फूल गया है। देखिए, अगर सुबह सब्जी बनाना हो तो रात को चना भिगो दीजिए। चने की सब्जी में सोयाबीन डालने के लिए पानी गर्म करेंगे और उसमें सोयाबीन को डाल देंगे। गैस को बंद कर लेंगे। सब्जी का मसाला तैयार करने के लिए लहसुन लेंगे, अदरक लेंगे, हरा मिर्च लेंगे। मिक्सी जार लेंगे, इसमें हरा मिर्च, अदरक, लहसुन डालेंगे और थोड़ा सा भिगोया हुआ चना डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। सोयाबीन के पानी को निचोड़ लेंगे। सब्जी बनाने के लिए कुकर को गैस पर रखेंगे और कुकर में लगभग 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद जीरा डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे। आप चाहे तो खड़ा मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी। जीरा चटकने के बाद 2 कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से भूनेंगे। इसको सुनहरा कलर होने तक भूनेंगे। प्याज भून चुका है, अब इसमें जो पेस्ट तैयार किए थे वो डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मसालों में आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। सभी को मिक्स करके भूनेंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाला तेल में छोड़ दे। मसाला अच्छे से भून गया है, देखिए तेल छोड़ दिया है। अब इसमें भिगोया हुआ चना डाल देंगे। सोयाबीन डाल देंगे। इसको मिक्स करके चला देंगे। मिक्स करके 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट हो गया है, अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, पानी डालेंगे। मिक्स करके चला देंगे। कसूरी मेथी डालेंगे। पिसा हुआ चना डालने से ग्रेवी गाढ़ा बनेगा। ग्रेवी आप अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा रख सकते हैं। कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद 3 से 4 सीटी तक पकाएंगे। 3 सीटी हो गया है, अब गैस को बंद कर देंगे। कुकर का प्रेशर खत्म हो चुका है, इसे खोल कर देखेंगे। आप देख सकते हैं कितना स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हो गया है। लास्ट में डालेंगे धनिया की पत्ती को। इस सब्जी को चावल, रोटी, पूरी, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।